तो फाइनली दानंग को भाई बोलने का टाइम आ गया है। मैंने जो आपको अगले वीडियो में बताया था उसी हिसाब से यहाँ पे यही हुआ मेरे साथ। मैं अभी गाड़ी रिटर्न करने आया था, अभी मैंने गाड़ी रिटर्न कर दी है यहाँ पे बाइक। तो जो स्क्रैच थे पहले गाड़ी में, स्क्रैच थे थोड़े, तो मैंने अभी जब रिटर्न की तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे स्क्रैच है। तो मैंने उसको पहले वीडियो लिया हुआ था तो मैंने उसको दिखा दिया ऑलरेडी कि ये स्क्रैच पहले से ही थी। तो ऐसे सभी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत परेशान करती है। अगर वीडियो, अगर हमने फ़ोटो वीडियो नहीं ले रखे तो लेकिन फिर इसका बोलेगे कि इतना चार्ज दो, इतना चार्ज दो। तो मोटर बाइक या कार रेंट करने में सबसे पहले यही चाहिए कि फ़ोटो ले लेना चाहिए, वीडियो फ़ोटो ले ही लेना चाहिए। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ दानंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेरी फ़्लाइट है हो ची मिन्ह के लिए। क्योंकि फ़्लाइट लेने का रीज़न यही है कि यहाँ से बस और ट्रेन का रूट काफ़ी लंबा है और प्राइस के फेयर डिफरेंस इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। उसमें ट्रेन और बस में टाइम ज़्यादा लग जाता है वहाँ जाने के लिए, और फ्लाइट भी अगर आप प्री बुक करोगे तो यहाँ से दनंग से हो ची मिन्ह की फ़्लाइट आपको 2000 रुपये तक मिल जाएगी। मैंने 2000 रुपये में ही बुक कराई है यहाँ से टिकट, एक घंटे की फ़्लाइट है कुछ, तो हाँ ये बेटर रहेगा ऑप्शन, यही अच्छा है अभी। और यहाँ से जो ने मोटर बाइक यहाँ पे दी, वहाँ से एयरपोर्ट का कुछ डिस्टेंस 1 किलोमीटर ही है, अभी फ़्लाइट को टाइम है तो मैं यहाँ से पैदल ही निकल जाऊँगा। ये अंदर कुछ गलियों में से रास्ता जा रहा है, उस हिसाब से मैं सीधा एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ। फिर एयरपोर्ट के पे जाके कुछ खाऊंगा, फिर आगे रात को लेट नाइट हो ची मिन्ह पहुँच जाऊँगा, फिर अगली सुबह जो होगी देखेंगे। ये सब यहाँ पे सब घर है, ऐसे होते हैं इनके घर, बहुत शांत है ये सब, यहाँ पे शांति बहुत है। जैसे मैंने कभी यहाँ पे दानंग में भी मैं घूमा, दानंग में भी मैंने कहीं पे वो सा क्राउड ऐसा देखा नहीं कि शोर शराब हो, सब शांति से है। काम करने वाले भी शांति से ही काम करते रहते हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। अब हाँ इनको थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत है, अभी भी ये लोग बहुत इंग्लिश समझते नहीं है, गूगल ट्रांसलेट करके ही समझाना पड़ता है, वो भी उनको पूछना पड़ता है, कोई कोई बोल लेते जो है वो, बाकी तो सभी जगह पे गूगल ट्रांसलेट ही करना पड़ता है। ये कुछ इनके घर है रेसिडेंट एरिया। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी आना हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी, तो डायरेक्ट आप दानंग आ सकते हो, जगह काफ़ी बढ़िया है, ऐसा कुछ महंगा भी नहीं है, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट अराउंड मिल जाएंगे खाने के लिए, होस्टल्स भी और होटल भी सस्ते ही है, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें नियर बाय, सभी एक एक घंटे के डिस्टेंस में आप घूम सकते हो किधर भी, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। दिखा रहा हूँ आपको यहाँ के, अभी लाइटिंग बहुत है वहाँ पूरे शहर में, जहाँ पे भी वहाँ पे लाइटिंग ही लाइटिंग है। अभी एयरपोर्ट पे चलता हूँ, एयरपोर्ट पे थोड़ा खाना वाना खाता हूँ, देखते आगे। ये है दानंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है ये, देखिए कुछ बनाया हुआ यहाँ पर। पर्सनली मुझे दानंग बहुत पसंद आया, काफ़ी बढ़िया जगह है, ऐसे शोर शराबे भी नहीं है, बहुत एकदम शांत और अच्छा, देखने के लिए भी बहुत कुछ है, छोटा सा एयरपोर्ट है, अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ खर्चा नहीं लगा, पैदल चल के आ गए एयरपोर्ट पे। वरना ज़्यादातर पे जहाँ पे भी जाते तो वहाँ पे एयरपोर्ट जाने में बहुत खर्चा हो जाता है। मैंने यहाँ पे देखा मेट्रो सिस्टम नहीं है यहाँ पे अभी भी, हनोई में भी नहीं था, दानंग में भी नहीं है, शायद हो ची मिन्ह में भी नहीं है, सब लोकल ट्रांसफ़र यूज़ करने पड़ते हैं, टैक्सीज वगैरह और प्राइवेट ट्रांसफ़र चलते रहते हैं।
अभी पब्लिक भी नहीं है कोई। Yes. Thank you. फाइनली बोर्डिंग टाइम हो गए है, लाइट लग चुकी है, लास्ट कॉल था, गेट नंबर 4 से 10:45 का फ्लाइट दनांग को हो चुकी है। Good morning, ladies and gentlemen, South Campus Singapore Paddock. My name is Captain Rudier, and I'm together with Senior Officer Chaffee. Once again, on behalf of the company and their supervisors of Captain Arita, welcome you. ये है हो ची मिन्ह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दनांग से मेरी फ्लाइट 10:45 की थी और 12:05 का मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अभी 12 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता है। देखा तो जो बस और वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 12 से 5 बंद रहते हैं। कभी मुझे ऑप्शन नहीं है तो कैब ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ 11-12 किलोमीटर है मेरा होटल। बस 20-25 मिनट लगेंगे, देखता अभी और कुछ क्या मिलता है। ऐसा भी खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट, बस ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बस का जो दिखा रहे हैं ये सब लेन में लिखा हुआ है बस, और सभी सब कुछ है नहीं। टैक्सी झूलता है, ये रात हो गए अभी जाके सोना है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था तो ये भाई मिल जाएगा कार वाले, मैंने उनको एड्रेस बुलाया, एड्रेस बताया तो सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर है, तो 2 लाख में उन्होंने मुझे बोला कि 2 लाख में छोड़ दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रैब भी इतना दिखा रहा था, आगे बैठ के आराम से वीडियो लेके सकते। ये भाई अपने ड्राइवर